लॉरियस इज सम दैट यूनाइटेदर विद स्पोर्ट आई थिंक जैसे कि मैं अम्बेसडर रह चुका लॉरियस का पिछले छः साल से और टू uh, uh, इंडक्ट नीरज चोपड़ा आई थिंक इंडिया में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती क्योंकि जितना uh, जितनी इंस्परेशन नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगी उनकी गोल्ड मेडल जीतने से वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में पहले किसी ने गोल्ड नहीं जीता और ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीता ओलंपिक ओलंपिक मेडल एक बहुत बड़ी बात है उसके बाद एशिया एशियन गेम्स में मेडल तो आई थिंक इससे नेक्स्ट जनरेशन इंस्पायर होगी कि अगर नीरज कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं तो आई थिंक मैं रिलेट करता हूँ इस चीज़ को बिकॉज मैं मैंने भी कैंसर से लड़ाई की है और uh, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं भी नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर कर सकता हूँ तो आई थिंक मैं उस तरीके से नीरज की इंडक्शन देखता हूँ लॉरियस हॉल ऑफ फेम में बिल्कुल लॉरियस के बारे में स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे थे जब मैं छोटा था तब से सुना था आ, कि स्पोर्ट्स का और माना जाता है लॉरियस को तो बहुत अच्छा लगा आज एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने चुना है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और आज युवराज सिंह जी से भी मिले तो उन उनसे काफ़ी बातें सुनी और उनसे फर्स्ट टाइम ऐसे फेस टू फेस बैठ के बात की है तो बहुत अच्छा लगा है और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो सोच के उन्होंने हमको चुना है और वो उनको लगता है कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं चेंज कर सकूँ बिल्कुल थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी इस बार इंजरी में इंजरी की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई और मैंने दो तीन कॉम्पटीशन छोड़ भी दिए थे स्टार्टिंग में फिर पूरा फोकस मेरा इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे था अच्छे से उसका रिहैब किया टाइम लिया थोड़ा फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आए और इतने अच्छे तरीके से जिस तरीके से क्वालिफिकेशन राउंड का थ्रो था तो लग रहा था कि बहुत अच्छा थ्रो होगा फाइनल में आ, लेकिन फिर भी जो थ्रो तो इतना ऊपर का नहीं हो पाया लेकिन जिस तरीके से जीता गोल्ड पहली टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो बहुत अच्छा था फिर एशियन गेम्स में जो टाइटल डिफेंड करना था वो इतने अच्छे से हो पाया अच्छी थ्रो के साथ सीज़न का लास्ट कंपटीशन था और सीज़न बेस्ट किया तो वो परफॉर्मेंस काफ़ी सही थी और ऐसा लग रहा है कि जो अगर मौका मिले सब कुछ फिट रहे तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगले साल आ, बस थोड़ा सा तो बुरा लगा था कि इतना अच्छा थ्रो है वो पूरा ख़राब हो गया पर फिर भी मुझे विश्वास था कि हाँ मैं थ्रो कर लूँगा अच्छा तो मैं ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान देता हूँ और ट्रेनिंग के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज uh, नहीं करता तो बिल्कुल वही है उसी पे फोकस है कि हमेशा ऐसे ही जब तक गेम करूँगा ऐसे ही करता रहूँगा और बाकी की जो चीज़ें हैं हमेशा एक ही चीज़ सीखी है घर से भी या अपनी खुद की जर्नी से कि लोगों से रिस्प, आ, रिस्पेक्ट से बात करो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं तो उनको अच्छे से टाइम दो और आपस में मिलजुल के चलो